हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डेनिम शर्ट में से बेबी जैकेट बनाना सिखाऊंगी। ये मैं 6 से 7 ईयर्स की बेबी के लिए बना रही हूँ, जिसके लिए हमने मेजरमेंट लिया है। चेस्ट 25, वेस्ट 23, शोल्डर 10.4, और जो हम लेंथ रखेंगे वो हम रखेंगे 10.5, और इसके नीचे हम फ्रिल लगाएंगे तो उससे हमारी 2 इंच लेंथ और बढ़ जाएगी। चेस्ट का हम फोर्थ भाग रखेंगे, नेक के लिए 12वां भाग रखेंगे चेस्ट का, वेस्ट का हम फोर्थ भाग रखेंगे। तो आइए हम इसकी पहले ड्राफ्टिंग करके इसकी कटिंग कर लेते हैं, और मैं आपको पहले अपनी शर्ट दिखा देती हूँ मैं कौन सी शर्ट में से बना रही हूँ। ये हमने शर्ट ली है डेनिम की, इसे हम पहले इसकी स्लीव अलग कर लेंगे और इसकी जो पॉकेट है वो अलग कर लेंगे और इसका जो कॉलर है वो अलग कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी ड्राफ्टिंग इसके ऊपर रख के तब हम कटिंग करेंगे। तो आइए पहले मैं ड्राफ्टिंग की कटिंग कर लेती हूँ और इसकी सिलाई निकाल देती हूँ। जैकेट बनाने के लिए हमने ये शर्ट ली है डेनिम की स्लीव्स वाली। उसके लिए सबसे पहले हम इसकी स्लीव्स निकाल देंगे। इसकी पॉकेट निकाल देंगे और इसका ये हम कॉलर निकाल देंगे। ये पॉकेट भी हमने अलग निकाल दी है, इसको रख देंगे, बाद में हम इसमें इसको कट करके लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे कटिंग के लिए। फ्रंट और बैक हम साथ में फोल्ड करेंगे। इसको हम इस तरह लेंगे। इस तरह हम फ्रंट और बैक को एक साथ मिला लेंगे। और ये मैंने अपनी ड्राफ्टिंग कट कर ली है, इसमें मैंने अभी नेक कट नहीं किया है, नेक हम बाद में कट करेंगे क्योंकि हम इसमें पहले फ्रंट का पीस निकालेंगे। तो फ्रंट में हम 1 इंच का नेक रखेंगे बैक में, तो इसलिए हम बाद में नेक कट करेंगे। यहाँ हम इसको सेट कर देंगे। ये जो हमारी आई की पट्टी है इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये बंद होने के बाद टाइट हो जाएगी फिर, इसलिए जो आई की पट्टी है वो हम 1 इंच यहाँ से छोड़ के तब यहाँ पे अपनी ड्राफ्टिंग रखेंगे और निशान लगाएंगे। ये हमने अपनी ड्राफ्टिंग इस पे सेट करके और आउटलाइन कर ली है। जो हम बैक का पीस रखेंगे उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ऊपर की साइड। तो आइए पहले इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई के लिए हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे और ये आर्म होल के लिए। अब हम अपना फ्रंट पीस अलग और बैक पीस अलग कर लेंगे। इसकी हम कटिंग करेंगे अपने नेक की। और यहाँ पे इसको सेट करके ये मेरी जो नेक था उसकी कटिंग हुई है पहले से ही, तो ये मेरी यहाँ पर प्रॉपर आ रही है। ये हमारा फ्रंट पीस तैयार है, इसको साइड में रख देंगे। ये हमारा बैक पीस है, अब इसका नेक कट करेंगे।
यहाँ से इसमें हम 1 इंच का नेक लेंगे। तो इस तरह ये हमारा फ्रंट बैग तैयार है। अब हम इसके नीचे की फ्रिल कट करेंगे पहले, और स्लीव्स इसको साइड में रख देंगे। ये जो हमारा नीचे का पीस है इसमें से हम अपनी फ्रिल कट कर लेंगे, और जो हमारी स्लीव्स है उसमें से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। हम यहाँ पे 4 इंच की फ्रिल ले रहे हैं। ये हमने फ्रिल निकाल ली है, और जो चोली में हमने बैक पीस 1.5 इंच एक्स्ट्रा किया था, तो ये हम फ्रंट वाला 1.5 इंच कम कर देंगे। अब हम स्लीव्स निकाल लेंगे अपनी। स्लीव की जितनी भी लेंथ हमें रखनी हो उतनी हम यहीं से शुरू कर देंगे, इसको उल्टा करके। यहाँ से हम 12 इंच की स्लीव्स रख लेंगे, क्योंकि आगे से हम इसको फोल्ड भी करेंगे। ये हमारा जो आर्म होल है ये हम बाद में कट करेंगे अपनी जैकेट के हिसाब से, तो भी हम पहले यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। इसी तरह दूसरी स्लीव में से भी निकाल लेंगे। ये हमने दोनों स्लीव्स कट कर लिए हैं, और जो ये हमारा कॉलर था इसके नीचे का जो पीस था वो हमने निकाल दिया है, क्योंकि हम यही वाला कॉलर अपना अपनी जैकेट में यूज कर लेंगे। लेकिन हम इसकी कटिंग बाद में करेंगे, जब हम अपनी जैकेट में लगाएंगे तो नेक को प्रॉपर मेजरमेंट करके तब हम इसको कट करेंगे यहाँ से। और ये पॉकेट है हमारी, इनको भी मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है, ये मैंने इस साइज का लिया है, इसको भी इस तरह रख के कट कर देंगे। हमारी प्रॉपर कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। और यहाँ पर पॉकेट लगा लेंगे। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके नेक का मेजरमेंट ले लेंगे और इसमें कॉलर लगाएंगे। ये हमारा 15 इंच है,
ये हमारा कॉलर है, ये भी हमारा प्रॉपर है, तो अब हम इसको इसमें सेट कर देंगे। अगर आपको कॉलर थोड़ा लूज लगे तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि इसमें आप एक पैर की सिलाई लगा लें, तो आपका कॉलर बिल्कुल सेट आएगा। अब हम ये कॉलर यहाँ पे इस तरह सेट कर देंगे। सबसे पहले जो कॉलर में साइड में ये सिलाई लगी है ऊपर वाली, ये निकाल देंगे। बस ये हम नीचे से थोड़ी थोड़ी निकालेंगे ताकि जो हमारा कॉलर है कोने में आ जाए। ये दोनों साइड से हमने इतनी इतनी स्लाइस की खोल दी है। अब हम अपना ये जैकेट में कॉलर सेट करेंगे। पहले हम इसमें इसको पिन से सेट कर लेंगे। ये हमने अपना कॉलर एक साइड से इसको सेट कर लिया है, एक साइड का हमने भी छोड़ दिया है। अब हम इस पे पहले सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम ये वाला कॉलर उधर सेट करेंगे। ये हमने अपना कॉलर सेट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर ये जो सिलाई है हमारी इसको अंदर कर देंगे और इसको कॉलर को फोल्ड करके इस पे सिल देंगे। और इस तरह ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब हम इसमें स्लीव्स लगा लेंगे और नीचे बाद में फ्रिल लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। अब हमें जितनी मोरी आगे से रखनी हो उतनी रख लेंगे। ये मैं यहाँ पे 3.5 रख रही हूँ क्योंकि ये छोटे बच्चे का है, और जितनी यहाँ पे हमारी आर्म होल पर, उसके लिए हम अपनी ये जैकेट लेंगे और उसको इस तरह आर्म होल को सीधा कर लेंगे और यहाँ कोने से लेंगे और यहाँ निशान लगा देंगे जहाँ तक हमारा आर्म होल है, और फिर इस निशान को इस तरह मिला देंगे। और यहाँ सिलाई लगा देंगे। और इसको इसके अंदर इस तरह डालेंगे, इसका जॉइंट से जॉइंट मिला देंगे तरह। और इसमें सिलाई लगा देंगे। ये हमने एक साइड की स्लीव्स लगा ली है, इसी तरह हम दूसरी वाली स्लीव्स तैयार करके इसमें लगा लेंगे और जो नीचे फ्रिल लगाएंगे उसे हम जॉइंट करके नीचे से फोल्ड कर देंगे। ये हमने दोनों स्लीव्स लगा के इसको तैयार कर लिया है और जो नीचे की फ्रिल है इसको हमने जॉइंट करके एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हम ये अपनी फ्रिल इसमें जॉइंट कर देंगे। ये फ्रिल हमने दोनों साइड से स्टार्टिंग में दोनों साइड से मोड़ ली है,
ताकि हम यहाँ लगाएं तो ये हमारी सेट आए। यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। ये मैंने फ्रिल लगा ली है नीचे की साइड। अब हम इस पे सिलाई लगा देंगे फ्रिल के ऊपर। ये जो हमारी सिलाई है नीचे की उसको हम फ्रिल की साइड कर देंगे इस तरह, और फ्रिल के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारी सेट हो जाए। और ये जैकेट मेरी रेडी है। मेरा इसका लुक किस तरह आएगा, ये बैक साइड है हमारी। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की शर्टें हो तो आप भी इस तरह की जैकेट बनाकर ट्राई करें। शर्ट भी काम आएगी और जैकेट और भी प्यारी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।